हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैम वेजिटेरियन कीटो डाइट बताइए। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेरियन कीटो डाइट लंच रेसिपी लेके आई हूँ। कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि सिर्फ जो कीटो है वो सिर्फ जो है वो नॉन वेजिटेरियन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारा मतलब कि सोचा कि क्या मैं इसमें ऐसा ऐड कर सकती हूँ इस कीटो डाइट में, कि जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं कि वो कीटो डाइट करें और अपना बॉडी फैट जो है उसे पूरी तरह से निकालें। देखिए क्या होता है, आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि उनका वेट 60 है, लेकिन वो देखने में आपको लगता होगा वो देखने में 40 to 45 है। तो ये जो है वो कीटो डाइट का ही कमाल है। कीटो डाइट स्पेशली क्या करती है, वो आपका वेट कम नहीं करती है, वो आपके अंदर जो भी फैट है उसे मेल्ट करती है। यानी कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए वो बाहर से कार्ब या एनर्जी ना लेके आपकी बॉडी के अंदर के फैट को यूज करती है। तो जी हाँ, कीटो डाइट में हम कार्ब ना लेके काप नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर से ही फैट को ले और हमारी बॉडी जो है वो टोन दिखे। तो आज मैं इसका एक पार्ट लेके आई हूँ कि आप इसमें लंच में क्या लें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे केवल हाई फाई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। डिनर और ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक बहुत जल्दी लेके आऊँगी। ये भी एक आप इसको बोल सकते हैं कि ये भी पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें चलूंगी। तो आज मैं लंच रेसिपी लेके आई हूँ, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑलिव ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप चीज भी ले सकते हैं, या फिर आप बटर भी ले सकते हैं जो सॉल्ट वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने पे। मेरे पास ऑलिव ऑयल हमेशा रहता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। आप इसमें थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड करिए, इसमें आपको लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए, या फिर आप खड़ा हुआ डाल दीजिए, मतलब जैसा आपको पसंद हो। क्योंकि हम इंडियंस को जब तक लहसुन और ये सब चीज़ें ना पड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद आप प्याज डाल दीजिए, अगर आप खाते हो तो आप डालिए, ना ये आपके चल ना हो जाए। और इसके बाद आपको इसमें टमाटर ऐड करना है, एक टमाटर ऐड कर दीजिए। और जैसा भी आप जो भी डालते हो, आप पालक पनीर मसाला डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नॉर्मल घर का मसाला डाल रही हूँ जिसमें कि मैं टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सेंधा नमक, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूँगी। आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, और इन मसालों को अच्छे से पका लीजिए। क्योंकि मैंने इसमें ऑयल कम डाला है तो आप हल्का सा पानी, जो पालक आपने जिस पानी में बॉयल की है वो उस पालक के पानी को आप इसमें डाल दीजिए और मसालों को अच्छे से पका लीजिए। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालते हैं तो उससे मसाले पक जाते हैं, लेकिन पानी डाल के आपको मसालों को पकाना है, या तो आप ढक के पकाइए या जैसे भी पकाइए, लेकिन पानी डालने के बाद ये आसानी से पक जाएंगे। और टमाटर जब हल्के से फूट जाएं, आप चाहें तो सबकी प्यूरी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही। और देखिए यहाँ पे जो है सारा मसाला पक गया है और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से पूरे फूट जा रहे हैं। अब जो पालक है, उस पालक को जो आपने बॉयल करके उसको ग्राइंड किया था, वो सारा आपको इसमें डाल देना है। आप चाहें तो पालक को हमेशा ही ऐसे ही बॉयल करके अपने मतलब पीस के फ्रिज में रखिए, और जब आपको खाने का मन हो आप बना लीजिए। और इसके बाद आपको पालक को भी इसे पकने देना है 2 to 3 मिनट, जिससे कि कहना है कि पालक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और थोड़ी देर उसके बाद जब ये पक जाए, यानी कि हल्का सा ऑयल छोड़ दे पालक, आपको सेम जो भी जिस भी जार में आपने जो पालक ग्राइंड किया था उसमें हल्का सा पानी मिला के, या फिर जिसमें पालक बॉयल की थी वो वाला पानी आप यूज़ करके और अच्छे से बॉयल होने दीजिए। यानी पानी अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए। आप अगर थिक खाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसे खाने वाले हैं तो हमें थोड़ा सा थिक ही बनाना है। और इसके बाद आपको इसमें पनीर डालना है, जो लो फैट वाला आता है, या फिर आप लो फैट दूध लेके घर में उसका पनीर निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपको इसमें पनीर डालना है और बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो तावे पे इसे हल्का सा सेक भी सकते हैं ऑयल में, मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं क्या करती हूँ, सारे पनीर को अच्छे से फोड़ देती हूँ जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इसे खड़ा ही रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका पालक पनीर है बहुत ही हेल्दियर वे में रेडी है, फुल प्रोटीन है, आयरन है, कार्ब
बहुत ही थोड़ा सा है इसमें, जो भी पता भी नहीं चलेगा आपकी बॉडी में। तो इस तरह से आप इसे फ्राई करिए और हल्का सा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर लीजिए, धनिया पत्ता ऐड कर लीजिए, जो भी चीज़ आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपका पालक पनीर है वो पूरी तरह से रेडी है, देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। मेरा पालक पनीर है वो बनके रेडी है और आप इसे एक बाउल में निकालिए, खाइए, एंजॉय करिए। और ये मेरा एक टाइम का बना हुआ है, आप चाहे तो दो टाइम का भी बना सकते हैं। आप प्यूरी बना के हमेशा फ्रिज में रखिए, जब आपको भूख लगे आप इसे खा लीजिए। और मतलब ये बहुत टेस्टी होता है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इसे खाने के लिए। तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगी कि 15 दिन जो नहीं कर सकता है 15 दिन ट्राई करके देखें और बॉडी में इफेक्ट बहुत अच्छा विजिबल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस रेसिपी को बनाना कितना इजी है, और आप चाहे इसे लंच में लीजिए, चाहे आप इसे डिनर में लीजिए, आप चाहे इसे जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लीजिए। जो इसकी करी है आप इसे बना के रख सकते हैं, पनीर अलग रखिए, जब भी खाने का मन है दोनों को ऐड करिए और खा लीजिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।